ਚਲ ਮੈਂ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਤਰਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਪੌੜੀਆਂ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ ਪੀਓ। ਵਰਤ ਰੱਖਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਵਿਆਹ ਟੈਸ਼ਨ ਮੇਂ ਐਂਡ ਫੂਡ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਗਾ ਵੋ। ਸੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੈ ਅਭੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੀ। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। समय हुआ है अराउंड 2 बजे हैं रात के, अभी तक मैं सोई नहीं हूँ, लाइक मैं सो के नहीं उठी हूँ। मेरा विचार है कि मैं खाना खा के ही सो जाऊँगी और दोबारा सिर्फ पानी पीने के लिए उठूँगी एक बार। एंड अब मैं अपने लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ, मैंने अपने लिए गोभी ऑलरेडी बना ली है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे घर में जो व्रत रखती हैं मेरी मामियाँ, वो हमेशा गोभी की सब्ज़ी एंड परांठे खाते हैं दही के साथ, एंड फिर मिट्टी फेनियाँ, एप्पल, थोड़े से नट्स एंड कोकोनट खाती थी मेरी नानी, एंड उसके बाद चाय पी। इसी तरह मैं करूँगी, मैं ना सिर्फ परांठा खाऊँगी एक गोभी के साथ एंड देन चाय पी लेंगे। सो जो भी मैं खाऊँगी वो थोड़ा थोड़ा मैं सारा सुच्चा निकाल के भी रख लूँगी, वो थाली मैं हिम्मत को खाने के लिए दे दूँगी। और अगली चीज़ है कि हस्बैंड थोड़ी देर पहले ही अपस्टेयर्स गए हैं और मेरे कपड़ों को देख के बोल रहे थे कि तुमने ट्रेडिशनल कपड़े क्यों नहीं पहने। मैंने ये सवेरे ट्रेडिशनल कपड़े पहने का क्या पहना, रेड तो पहना है मैंने, रेड टी शर्ट पहन ली मैंने, रेड तो पहना है मैंने, सुबह लेटर डे में पहनूंगी एंड देन शाम को तैयार होंगी। हूँ इतने मैं दुल्हन बन के पाया, सवेरे कोई देखने वाला भी नहीं है। यार इस टाइम मेरा साथ देने लिए थे बैठे हैं ये, कबड्डी मैच में खाली तुम मुंडे वाले कपड़े पा के आई हो। सर मैं साड़ी पा के आवा और ट्रेडिशनल कपड़े पा के उतर दी तू शानी शान कर दी पौड़ियां जी मेरे कपड़े पा के आई। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਤੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਸੀ। ਯਾ ਤੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਦੀ ਸਰਗੀ ਖਾਣੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਗੀ ਸੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਵਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ? ਤੂੰ ਇਹ ਵੱਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੈਠਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਉ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖੋਗੇ? ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੈ 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 ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਰਾ? ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਆ ਯਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਆ, ਭਾਈ ਗੋਰਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਾਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਲਦੀ। ਸੋ ਯੈਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸੇ ਪਰਾਂਠਾ ਬਣਾਤੇ ਹੈ। मेरे कपड़े ना थोड़े ज़्यादा ही अजीब से लग रहे हैं, पर रंग तो इनका दुल्हन हो जैसा है एंड यहाँ पे थोड़ी ठंड भी है, तो मैं वैसे रोब पहनना चाहती थी, बट उससे फिर ना मेरे परांठे नहीं बनते सही तरीके से। Time to start all over and go for it. Cause they don't even know me yet. But that's something I don't regret. Every night I close my eyes and see only lavender dreams, baby. What can I do when a million things are running through? Million things I can't undo. I just sleepwalk, I just sleep talk. ऑलराइट दोस्तों, तो खाने वाली हूँ मैं परांठा। अभी तो मेरा खाने के लिए मन है। अगर आप सुबह सुबह उठ के खाओ ना, लाइक सो के उठ के खाओ फिर नहीं मन करना, पर फिलहाल आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग। वैसे भी ना गोभी मुझे अच्छी लगती है, गोभी खा गोभी को देख के ना मन कर ही जाता है। एंड यहाँ पे ना मेरे पास दुपट्टा नहीं है, तो मैंने तौलिया ले लिया। वैसे भी मेरे बाल ना गीले हैं, धो के आई हूँ मैं। अपना आराम के साथ प्यार के साथ खा लेंगे। जिस वीडियो में हम दोनों ने हमारी फ़ोटोज़ पे रिएक्ट किया, और मैंने आपको बताया ना मेरी नानी की डेथ होगी लास्ट ईयर, जो मेरी नानी थी ना वो काफ़ी ओल्ड होने तक करवा चौथ का व्रत रखती थी। एंड मैं करवा चौथ से एक दिन पहले नानी के घर चली जाती थी व्रत रखने के लिए या ऐसे एंटरटेन होने के लिए। सो मेरी मामी सुबह सरगी का सारा सामान तैयार करके, परांठे बना के, गोभी बना के, फैनियाँ बना के, फ्रूट्स को काट के, लाइक पूरा सरगी को रेडी करके बुलाती थी मुझे और नानी को। मुझे कहती थी जल्दी जल्दी नहा लो, सब कुछ रेडी हो गया।
मैं और नानी आके खाते थे और नानी मुझे कहती रहती थी अगर मैं व्रत रखूँ तो नानी कहेगी ये भी खा ले ये भी खा ले, थोड़े से नट्स खा ले, नारियल का एक दो पीस ज़रूर से खा ले। सो आज मुझे याद आ रहा है वो बेचारी क्यूट सी ना मुझे खिलाती रहती थी और खुद भी आराम से खाती थी, कह रही चुप करके हम खा लो सारे सारे। और फिर उसके बाद पानी पानी ज़रूर से पियो करी और टूथब्रश कर लो, और उसके बाद फिर दातन करने के लिए देती थी वो और बोलती थी कि इससे अब शुद्ध हो गया सारा कुछ, रसगुल्ला खा लो, दही खा लो, फैनियाँ खानियाँ या, और उसके बाद अब चाय का पी लो। और काफ़ी ओल्ड एज तक वो व्रत रखती थी। नानी मेरी की तो डेथ हो गई पर मेरा नाना स्टिल है, वो शायद मेरी नानी के रखे हुए व्रतों की वजह से। एक और चीज़ मेरी नानी हमेशा बोलती थी, पता नहीं मुझे आज वो बोलना चाहिए या नहीं, अच्छा शुभ दिन है, पर नानी कहती थी कि वो लेडीज बहुत लकी होती हैं जो अपने पति से पहले मरती थी, और हमेशा खुद के लिए भी यही मांगती थी वो। और मैं भी रब को ही मांगती हूँ मेरे लिए कि मेरी उम्र भी पति को लग जाए और मैं उनसे पहले ही जाऊँ, जब भी जाऊँ बुढ़े हो गए भावें साल महीना 5 साल 10 साल, बट पहले मैं ही जाऊँ। आई डोंट नो कौन सी बातें लेके बैठ गई, आप ये चीज़ें सोचते हैं या मैं ही पागल हूँ? आराम से मैं अपना भोजन शक लेती हूँ, बाद में मिलूंगी आपको। वैसे ना गोभी बहुत स्वाद बनी है। अरे प्यारे दोस्तों, सो समय हुआ है 2:40, मैंने हस्बैंड एंड हिम्मत को लंच करवा के आई हूँ एंड मैं थोड़ा जाना काजल लगा लिया एंड बिंदी बिंदी एंड लेटर तैयार होंगे हम। मेरे ना सर में काफ़ी बुरा दर्द होना शुरू हो गया है, पिछले काफ़ी दिनों से मेरे सर में ना बुरा दर्द है, लाइक मैं बहुत अच्छा नॉर्मल नहीं फील कर पा रही हूँ, नींद भी बहुत अच्छी नहीं, काफ़ी सारी ना सर मेरा बहुत हैवी, लाइक काफ़ी दिन से ये फीलिंग है। सो आज की वजह से नहीं है इतनी है। सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं थोड़ा आराम करूँगी पर उससे पहले मैं मूवी देख रही हूँ कोई। एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं ना मेरी क्लोज़ेट को क्लीन करूँ, फिर मुझे लगा कि यार एनर्जी क्यों अपनी ख़राब करनी, एनर्जी को सेव करके रखते हैं, थोड़ा मूवी देखते हैं, थोड़ा आराम नैप लेते हैं और उसके बाद मैं तैयार होना शुरू होऊंगी। एंड मैं राजमा भिगो के आई हूँ, राजमा एंड राइस कुक करूँगी क्योंकि राजमा मैं अच्छे बनाती हूँ ना, तो फिर मज़ा आएगा जब मैं व्रत खोलूँगी। वैसे भी ना हमारे घर का मैंने ट्रेडिशन आपको बताया कि दाल एंड राइस के साथ ही व्रत, लाइक व्रत का एंड वाला मील माँ की दाल एंड राइस होते हैं, तो मैंने सोचा राजमा राइस बना लेती हूँ। वैसे जब आप व्रत रखते ना आपका कुक करने के लिए मन नहीं करता, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता है कुक करने के लिए, क्योंकि मुझे एक तो डर लगता है कि मैं नमक ना टेस्ट कर लूँ या कुछ चेक ना कर लूँ, क्योंकि किचन में बैठे हम कुछ ना कुछ मुँह में डालते रहते हैं राइट, तो ये चीज़ का मुझे डर लगता रहता है। वैसे भी ना भूखे पेट कुक करने में मज़ा नहीं आता, अगर आप इस फीलिंग से रिलेट कर पाते हैं ना तो बताना मुझे, पर मेरे घर में कोई और कुक कर सकता नहीं है, करना मुझे को पड़ेगा। और अगर कितना अच्छा हो ना कि घर में खाना तैयार हो जाए, आपने व्रत रखा है तैयार व्यार टशन में एंड फूड रेडी हो जाए, कितना मज़ेदार होगा वो। सो या थोड़ी देर में मिलती हूँ जब मैं कुक कर रही होंगी या फिर जब मैं रेडी हो रही होंगी। अब मैं थोड़ा आराम करने वाली हूँ, 1-1.5 घंटे बाद मैं तैयार होकर कथा सुनूंगी एंड देन हम चंद्रमा की वेट करेंगे, चंदा मामा की वेट करेंगे। बाल थोड़े अजीब लग गए मुझे, इनको स्टाइल करना है। एक्चुअली मैंने ना कल पहली बार शिया मॉइस्चराइजर ब्रांड का नाम है मेरे ख्याल से, उसका ना हेयर मास्क ट्राई किया जो कि इंटेंस हाइड्रेशन है। मैंने आप लोगों से पूछा भी कि उसके बारे में रिव्यू करें और बहुत सारे दोस्तों ने यस कहा है। मैंने पहली बार यूज़ किया है एंड मेरे बाल ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहे हैं, क्योंकि कर्ली बाल बहुत ही रफ अजीब लगते हैं आपको, मुझे पता नहीं आपको लग रहा होगा या नहीं, शायद आपको भी थोड़े बेटर एंड शाइनी लग रहे होंगे क्योंकि जो कर्ली एंड वेवी बाल होते हैं ना बहुत डल एंड ड्राई किस्म के दिखते। सो यस, उसकी रिव्यू वीडियो मैं शूट करूँगी एंड बालों को स्टाइल करूँगी, पर अब आराम की बारी है। तो यहाँ पे एक पिंपल आ गया है क्योंकि जब भी कोई खास मौका हो, त्यौहार हो, उत्सव हो, इनको आना जरूरी होता है, स्पेशली जिस दिन मुझे तैयार होना ना, एक कहना कि ऐसे पीछे कहता रहिए, हमें आना ही आना है आपकी जिंदगी में। आपके साथ ऐसे होता है कि जब आपका खास, वैसे आपकी स्किन बहुत मजेदार क्लीन रहती है, पर जब कुछ खास दिन आने वाला है, कोई इवेंट आने वाला है, आपको तैयार होकर जाना, उदन ये एक कद्दा पिंपल आ ही जाएगा, ये कहेगा कि तुम खुश कैसे रह सकती हो, मैं यहीं पर हूँ, मुझे भूलना मत। ऑलराइट दोस्तों, मैं राजमा को कुक करने के लिए रखने वाली हूँ और राजमा की रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल में अगर आप देखना चाहते हैं तो वैसे वही सेम रेसिपी को फॉलो करके बनाने वाली हूँ, बहुत आसान है, पर इतना मेरा दिल नहीं कर रहा कुक करने के लिए, तो आप ही कुक कर लेते हैं देन फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो राजमा को बॉयलने के लिए
ऑलराइट दोस्तों, आज ना थोड़ा ठंडा दिन है जिसकी वजह से ना मेरी हड्डियों में दर्द भी शुरू हो गया है एंड मेरा ना सर में बहुत बुरा दर्द हो रहा है। एंड मैंने ना फिर ज़्यादा तैयारी नहीं की, ठीक ठाक मेकअप कर लिया, बहुत ही ज़्यादा क्विक वाला, सो बालों को नहीं मैं कर पाई स्ट्रेट क्योंकि फिर ना वो मेरी आर्म्स थक जाती हैं। सो मैंने सोचा कि नेचुरली रख लेते हैं यार। एंड गाइस, मम्मा गोना ईट एट द मून। कह रहा कि मम्मी मून के बाद ही खाएगी और बेचारा ना बार बार मून चेक करने जा रहा है कितना क्यूट है। मून का ना सारा टाइम राइज होने का 8:40। सो यार एक घंटा है अभी, मैं सोच रही हूँ कि मैं और हिम्मत को ही ना हिम्मत की मूवी देख लेते हैं क्विक सी। सो यार ऐसे ही मैं सिंपल सा तैयार हो गई हूँ। और एक दोस्तों, चांद तो दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको मैंने दिखाया कि कैसे बहुत ही बुरे तरह क्लाउडी है, पर मैं अपना अर्घ देने वाली हूँ। एंड जो ऑर्गेंजा की चुन्नी है ना वो भी मेरे सर पे टिक नहीं रही है, गर्म पजामा भी पहन लिया है। तो बाथरूम यूज करने चले गए, मैंने थलिया ऑन किए थे। दस के बताओ ना मुझे Got one foot in and one foot out, you leave me a mess when it's 3 a.m. and I'm alone on the couch. You walk a fine line. फिर दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सोशल मीडिया पे शेयर ज़रूर से करें एंड सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसी और प्यारी प्यारी वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीसी। Bye bye.